अजहर खान अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पाक फौज को मुलव्वज़ अफसरों के खिलाफ 4 हफ्तों में इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जायजा लेंगे, अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं, जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया। फौजी अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई, अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया। इंक्वायरी में शवाहिद सामने आने पर मार्शल होगा फ्रॉड या करप्शन पर। रिटायरमेंट के बाद भी कोर्ट मार्शल हो सकता है, जरा ने पूछा। बानी एमक्यूएम को भी पैसे मिले, क्या केस पे उनका नाम सामने आया। आरोप मिले थे उसका कोई अच्छा हमें तजर्बा नहीं हुआ और कोई हमारा इरादा नहीं है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेबनानी वज़ीर आज़म साद अल हरेरी को वाज़े कर दिया, अब एनआरओ नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म ने उनको कहा जो एनआरओ पहले किए गए इसका अच्छा तजर्बा नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सजा मौतली की पहली दरख्वास्त वापस लेने की मुतफरक दरख्वास्त पर आज समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। तिब्बी बुनियादों पर दायर सजा मौतली दरख्वास्त की पैरवी करना चाहते हैं। पहली सजा मौतली दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर की जाए, साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त। कराची में सीएनजी स्टेशंस पर बंद ट्रांसपोर्ट काम, शहरियों को शदीद मुश्किलात। 58 घंटे बंद रहने के बाद सीएनजी स्टेशंस इतवार को 6 बजे खुले थे। बीरवाला के इलाके झोक मोड़ के करीब मियां बीवी के सोते में गले काट दिए गए सिद्दीक और फाखरा की लाशें। लाहौर के इलाके दर्ज पुलिस ने को गिरफ्तार कर लिया, मुल्जिम बच्ची का रिश्ते में मामू है। गिरा ना जमीन फटी, रावलपिंडी के इलाके मोहम्मद ने बेने बीवी से मिलकर बाप को कहा नाले से मिली पेच इलाके जुर्म कर लिया। भक्कर में दलेवाला मोड़ के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस मोटरसाइकिल को बचाते ट्रक से जा टकराई, 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। टांगड़ में 2 गाड़ियां टकरा गई, 3 अचल बस। मलिक मथरू को सिक्योरिटी इदारों के हक पर बात करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर पीटीएम की तरफ से तनकीद के बाद मलिक मथरू को कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने मलिक मथरू को घर में घुसकर गोलियां मारी। मलिक मथरू ने खेसोर वाके में हयात खान के मौकफ की मुखालफत की थी। पाक फौज के सिपाही राशिद अली शहीद की आज टोबा टेक सिंह में 10वीं बरसी मनाई जा रही है। राशिद अली 11 फरवरी 2009 को सवात में शहीद हुए। हवाओं का नया सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। क्वेटा समेत सुबह भर में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कल्ला, यूम, ज्यारत, मुसाखिल और हरनाई में बर्फबारी का इम्कान।